इसको कर लेते हैं अभी अभी। इसमें जैसे देखते हैं बीच में ऐसे लाइन लाइन गई है, पट्टी 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 पट्टी, वहाँ सर्कल भी है साथ ही साथ में। ओके तो इधर पे क्या कर सकते हैं हम लोग अभी? ये जैसे कि मुझे लग रहा है कि एक शेप है सर्कल सा, ऐसे हाफ सर्कल नहीं, पत्तियाँ हैं इधर पे, सर्कल का भी ऐसा है, ये शेप है। ओके तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक बना लेता हूँ सर्कल। सर्कल का आई थिंक सो हाफ से ज़्यादा, तो मैं इसको ले लेता हूँ। पहले मैं एक शेप बनाता हूँ इसके जैसा, जो ऐसे पत्तियों का जैसा शेप है वो एक रेडी कर लेता हूँ, ठीक है? तो जाके हमको और भी इजी रहेगा समझने में। तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ एडेप्टिव, सर्कल प्रॉपर हो गया हमारा। और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, एक कॉपी मेरा यहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, कॉपी एक कॉपी मेरा यहाँ पर आएगा। पहले मैं इसको काम कर लेते हैं, जो हमारे पास ये चीज़ें आई हैं इसको कर लेते हैं हम लोग ट्रिम। ट्रिम कैसे करेंगे? पहले तो मैं इसको करूँगा एडिटेबल स्प्लाइन, फिर जो एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मैंने जो सर्कल बनाया था इसको भी इसको अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं। ऐड ऑन करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग स्प्लाइन में। स्प्लाइन में आने के बाद फिर हम लोग को नीचे की तरफ मिलता है बुलियन ऑप्शन। बुलियन में कैसा है, जैसे कि अगर मेरे को काटना है किसी चीज़ को किसी के साथ में, जैसे कि मेरे को इसको अंदर काटना है किसी एक सर्कल को, जैसे मैं इस सर्कल को लेता हूँ, इसको क्लिक किया और बुलियन पे गया और क्लिक किया इसको, तो ऐसे कट जाएगा फटाक से। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला, ये हमारा, हमारे पास एक पत्ती आ गई ये वाली जो हमें चाहिए थे, आ गए हमारे पास, ठीक है? अब बीच में ऐसे गेप है ये भी, इसको भी देखते हैं, रुको ये भी चलेगा हमारा। इसको भी पहले हम लोग को आधे से काटना पड़ेगा। अभी आधे से कैसे काटेंगे, इसका हाफ लेना पड़ेगा हमें। इसका हाफ के लिए मैं पहले एक ले लेता हूँ बॉक्स, ठीक है? अब इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये है कुछ, इसके सेंटर पॉइंट पे ही हमें निशाना बनाना है इसको। इसका मिड पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके तो ये मैं वर्टेक्स को लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर, परफेक्ट मिड पॉइंट मिल जाता है मुझे। इसका मिड पॉइंट यहाँ बनना चाहिए था, हमने गलती से गलत बना दिया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मिड पॉइंट तो मिल गया, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा इस प्लान के अंदर, अटैच करूँगा जो ये मेरा ये है पार्ट, इसको ले लिया। अभी क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला शेप, ये वाला जो शेप है मैं ये लेना चाहता हूँ, ये बाहर का कट जाना चाहिए, ये बॉक्स भी निकल जाना चाहिए, सिर्फ मेरे को चाहिए ये वाला शेप। तो बुलियन के अंदर चलेंगे हम लोग, बुलियन के अंदर एक है यहाँ पर देखते हो, ये जो इंटरसेक्शन होता है इसको एनेबल करूँगा मैं, बुलियन करूँगा यहाँ पर, बुलियन हो गया, तो मेरे को ये शेप मिल गया, मेरे पास आ गया ये वाला शेप जो मुझे फ़िलहाल चाहिए था। यहाँ पर ये शेप हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बनाना है ये जो लाइन की पट्टियाँ हैं, ये क्रिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे, ठीक है? पहले तो हमें करना है ऐसा कुछ लाइंस ड्रॉ करना है, एक एक लाइन ड्रॉ करना है, या फिर मल्टीपल लाइन सीधे सीधे ड्रॉ कर सकते हो, कंफ्यूजन ना हो आपको। एक सीधा सीधा लाइन का बहुत सारे हम लोग ड्रॉ करेंगे। थोड़ा मैं इसको जो रेंडरेबल है उसको बढ़ा लूँगा, कितना मोटा कितना पतला चाहिए वो समझ के रख लेना है पहले ही। फिलहाल तो ये साइज ओके ओके लग रहा है मुझे, इसी साइज पे रखते हैं। और गैप कितना चाहिए पहले डिसाइड कर लेना है, और कितना मेरे को चाहिए यहाँ पर स्मूथ इस लाइन के ऊपर, तो स्मूथ भी मैं पहले से डिसाइड करूँ 64 का स्मूथनेस। ओके अभी मैं इसकी कॉपीज बना लूँगा, जितना मुझे गैप चाहिए गैप्स में। ओके सबके कॉपीज होंगे, कॉपीज मल्टीपल कॉपीज में 50 का कॉपी बन लूँ, 50 फिर भी ज़्यादा है, फिर भी मुझे कम क्यों लग रहा है, थोड़ा मैं इसको बढ़ा लूँगा। अब मेरे को इसको 45 डिग्री एंगल में रोटेट करना है ऐसे, कुछ ऐसे। अब बोले ये तो आ गया हमारे पास मोटा मोटी, ठीक है? कुछ हद तक, ने कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया क्या मैंने, थोड़ा साइज़ को बढ़ा लेते हैं, कोई वांदा नहीं है, जो अनवांटेड है उसको निकाल देते हैं, हम लोग फालतू का काम ना करना पड़े। अभी
जो जितने भी हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट्स सबको एक साथ में करेंगे एक पॉली में अनेबल, एडिट पॉली में जाते हैं, मल्टीपल जितने भी लाइंस हैं मुझे ले लेना है, ऐसे लाइंस मेरी हो गई है एक साथ में अटैच। ओके फिर अभी मैं क्या करूँगा, ये जो शेप है मैंने जो लिया हूँ जो भी शेप है मेरे पास अभी उसका यूज़ करूँगा, एक कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ों में क्रैश बहुत होता है, क्रैश यानी कभी भी कुछ भी दिक्कत हो सकता है, तो एक सेव भी कर लूँगा मैं फाइल को क्योंकि इतना सब कुछ काम किया हुआ हमको ख़राब नहीं करना है। ठीक है, एक टेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पर नंबर 5 में सेव कर दिया ताकि कोई क्रैशेस वैसे आए इस चीज़ों में, क्योंकि बुलियन वाली चीज़ों में कभी कभार हो जाता है क्रैश क्योंकि इतना तो वो बहुत ही ज़्यादा मैं पॉली को काटने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, इस जगह पे हो सकता है कि क्रैश हो जाए, तो इसलिए सेफ के लिए हम लोग करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक जो ये शेप है हमारे पास जो भी है इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा, आपका भी क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए, शेप प्रोफाइल और थोड़ा इसको थिकनेस दे देते हैं बार वाला, और बहुत मोटा हो गया। ओके मैं इसको करता हूँ बाहर की तरफ, हाँ अब ये सही आया। ठीक है, ये हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा, अभी मैं इसको इधर पे काटूँगा इसके साथ में। चलो शुरू करते हैं, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ ट्राई करते हैं, कभी कभी हो जाता है गड़बड़ हो जाता है, हम लोग को चाहिए इंटरसेक्शन, नहीं चलेगा सब्सट्रैक्ट भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। हाँ हो गया, बहुत बढ़िया, जो चीज़ चाहिए था मुझे आ गया मेरे पास। अब मेरे को कुछ नहीं, कुछ खास नहीं करना, बस को एडिट पॉली करके, ठीक है पॉली कर दिया, इसको कर दिया डिलीट, जो शेप मुझे नहीं चाहिए उसको कर दूंगा मैं डिलीट, जैसे अनवांटेड चीज़ों को गायब कर दिया मैंने, इसका जो इसको मैं कर दिया सेंटर। ठीक है, और ये हमारे पास शेप आ गया इस तरीके के लाइंस वाला, जैसा ये लाइंस बना हुआ है। ठीक है, अब इसका बस हमको क्या करना है, मिरर मिरर करते जाना है, मिरर मिरर खेलते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर अप्लाई करा है और इधर पे गैप डाल दो, इधर पे अप्लाई कर दो, अब जो ये वाला पार्ट है आप इसको इधर पे अप्लाई कर सकते हो इसके साइड में ऐसे टच करके जैसे रखना चाहो, और जो ये वाला पार्ट है अभी ये क्या है कि इस तरह से आपको इधर पे गैप में आ जाएगा हमारा, उसका इंटरसेक्शन भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आपका ये शेप रेडी हो जाता है। अब इसके जो बैकग्राउंड में हम लोग एक प्लेन डाल सकते हैं ताकि एक सरीखे का लगे, अभी मैं इसको एक कलर का कर दूंगा, एक सिंगल कलर सिंगल मटेरियल, जैसे कि अगर मैं इसको यही ब्राउन कलर दे देता हूँ या फिर यही कलर जो आपका रेडिश कलर है लाइक ऐसा लाइक डार्क, अरे यार क्या आ गया रेडिश, ओके असाइन कर देता हूँ, तो ये एक तरीके का ऐसे ही पैनल्स बन जाता है आपका जैसे आपने भेजा था हमें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस तरह का पैनल्स भी रेडी कर सकते हैं। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स, और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।